नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पीएम मोदी दिवाली पर फिर जवानों के बीच थे। तन तिरंगा मन तिरंगा की ललकार के साथ करगिल में पीएम ने जवानों से बात की। मोदी ने दीपावली का मतलब करगिल की जुबान में समझाया। मोदी ने युद्ध की जरूरत और उसके विकल्प पर अपना नजरिया साफ किया। उन्होंने बताया कि कैसे दिवाली आतंक के अंत का शंखनाद है। करगिल में भी तो यही हुआ था, आतंक का अंत हुआ था। मोदी ने आतंक के जरिए देश के अंदर और बाहर पनप रहे हिंद के दुश्मनों को साफ साफ संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो छेड़ेंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान की छाती 56 इंच की थी, है और रहेगी। युद्ध भारत के लिए आखिरी विकल्प था, है और रहेगा। तन तिरंगा मन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, चाहत तिरंगा राह तिरंगा, विजय का विश्वास गरजता, विजय का विश्वास गरजता, सीमा से भी सीना चौड़ा। अपने भी हैं और सपने भी हैं, देश हित सब किया समर्पित। सरहद पर तैनात जवान में ऊर्जा का संचार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये इतना सहज नहीं होता जितना दिखता है, मगर प्रधानमंत्री मोदी को पता है जवान की नसों में उबाल कैसे आता है। प्रेम की बात चले तो सागर शांत हो तुम, पर देश पर नजर उठी तो फिर, पर देश पर नजर उठी तो फिर वीर वज्र विक्रांत हो तुम। एक निडर अग्नि, एक आग हो तुम, निर्भय प्रचंड और नाग हो तुम, अर्जुन पृथ्वी अरिहंत हो तुम, हर अंधकार का अंत हो तुम। कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने का मतलब है एक पंथ दो काज, सरहद पर त्योहार और सरहद पार तकवार। भारत अब बदल गया है, अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। भारत की सोच में बुनियादी बदलाव आया है, इसलिए दिवाली पर मोदी के संबोधन का सबसे बड़ा टेक अवे यही था, शांति सामर्थ्य से आएगी। हाँ, युद्ध पहला नहीं अंतिम विकल्प है। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना। हमेशा ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है
तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। मोदी कारगिल में थे। कारगिल भारत की वो जमीन है जिसने आखिरी जंग देखी, भारत पाक की सीधी आखिरी जंग। इसलिए मोदी का कारगिल में होना अहम था, मगर उससे अहम था मोदी का पाकिस्तान का नाम लेकर सीधा अटैक। कारगिल की जमीन पर पाकिस्तान कभी नहीं जीता, कारगिल की जमीन हमेशा अविजित रही। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव, यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते। मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं कि यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मोदी के मिशन कश्मीर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मोदी 1992 की मुरली मनोहर जोशी की राष्ट्रीय एकता यात्रा के संयोजक थे। श्रीनगर के लाल चौक पर धमाकों के बीच मोदी ने तिरंगा फहराया था, मगर कारगिल से भी उनका रिश्ता है। ये रिश्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। इसे खुद मोदी ने जवानों के साथ शेयर किया। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति जो रंगे रंग से रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जवान सरहद की रखवाली करता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है इससे थोड़ा कटा रहता है। प्रधानमंत्री ने कारगिल में तैनात जवानों को आश्वस्त किया, भारत की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ी है, लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देश अपने जवानों के जरिए भीतर बाहर हर तरह के दुश्मनों का सामना कामयाबी से कर रहा है। दुनिया में आज जिस प्रकार भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, विश्व पटल पर बढ़ती भारत की भूमिका आज सबके सामने है। साथियों, आज ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि
भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता के साथ मोर्चा ले। आप सीमा पर कवच बनकर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आतंकवाद की, नक्सलवाद की, अतिवाद की जो भी जड़ें बीते दशकों में पनपी थी उसको उखाड़ने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जवानों से इमोशनल रिश्ता कायम किया, उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह संबोधित किया। मोदी बोले कि वो उनके बगैर बेहतर दिवाली नहीं मना सकते। मेरी दिवाली की मिठास और चमक तुम्हारे बीच है। मेरा सौभाग्य है मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। जवानों का हौसला बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब नहीं। वो जवान के सम्मान को राष्ट्र के स्वाभिमान से जोड़ देते हैं। जवान को एहसास कराते हैं कि राष्ट्र आपके होने से अमर होता है, आपकी सामर्थ्य से अमर होता है। मोदी ने इसके पीछे बड़ी सफाई से सरकार की जिम्मेदारी जोड़ दी। मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है। राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीश हिमालय के शीर्ष शिखरों की तरह उत्तंग होते हैं। एक राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके संतानों के बारे में कहा जा सके कि चलंतु गिरयः कामं युगांत पवनाहताः कृच्छेरपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः। यानी प्रलय काल के तूफानों से विशाल पर्वत भले ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अडिग, अटल और निश्चल होते हैं। मोदी ने सरकारी योजनाओं का लाभ भी जवानों को बताया। मोदी ने बताया कि देश में जो विकास हो रहा है वो सीमा के प्रहरी की देहरी तक पहुंच रहा है। मोदी इमोशन को बखूबी समझते हैं और जब ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं तो सबको आवेग में बहा ले जाते हैं। साथियों, आप सभी सीमा के प्रहरी देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन
ये हर भारतवासी के लिए खुशी की बात है कि देश के सुरक्षा कवच को संपूर्णता देने के लिए हर भारतवासी पूरी शक्ति लगा रहा है। देश सुरक्षित तभी होता है जब बॉर्डर सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था सशक्त हो और समाज आत्मविश्वास से भरा हो। आप भी बॉर्डर पर आज देश की ताकत की खबरें सुनते हैं तो आपका हौसला दोगुना हो जाता होगा। जब देश के लोग स्वच्छता के मिशन से जुड़ते हैं, गरीब से गरीब को भी अपना पक्का घर, पीने का पानी, बिजली, गैस जैसी सुविधाएं रिकॉर्ड समय पर मिलती हैं, तब हर जवान को भी गर्व होता है। दूर कहीं उसके घर में, उसके गांव में, उसके शहर में सुविधाएं पहुंचती हैं तो सीमा पर उसका सीना भी तन जाता है, उसे अच्छा लगता है। पीएम मोदी का विट हर वक्त सक्रिय रहता है। उन्होंने बिना कहे बता दिया कि आम जनता की दिवाली, आम जनता की आतिशबाजी और जवानों की आतिशबाजी में फर्क होता है। मोदी कम बोले, देश ने बखूबी समझा। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। मोदी जवानों के बीच होते हैं तो जवान होते हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं। मोदी जवानों के बीच किस तरह उनके देश गान में शामिल हुए, हम आपको छोड़ रहे हैं इसी गान के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।